मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा मार्केट में मनपा के अतिक्रमण विभाग ने कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान बाकड़े तोड़े गए हैं और दुकानदारों के काफ़ी सामानों के नुकसान हुए हैं। पिछले कई दिनों से मनपा के अतिक्रमण विभाग के मुमरा पुलिस स्टेशन से शिमला पार्क तक कार्रवाई जोरों शोरों से की जा रही थी, मगर आज मुमरा रेलवे स्टेशन से मार्केट में कार्रवाई शुरू की गई है। ये कार्रवाई मुमरा रेलवे स्टेशन की तरफ से मुमरा मार्केट के फास्ट रेलवे ट्रैक तक की ये कार्रवाई की गई है। अचानक मुमरा मार्केट में मनपा के अतिक्रमण विभाग के अमित गडकरी और जितेंद्र साबले दलबल के साथ पहुंचे और कार्रवाई शुरू कर दी। इस कार्रवाई के दौरान अफरा तफरी मच गई। दुकानदार अपना सामान उठा पाते इसके पहले ही कार्रवाई में दुकानदारों के काफ़ी सामान का नुकसान हो गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से अचार और चिप्स सड़कों पर पड़े हैं, लोग उसके ऊपर से चल रहे हैं, दुकान का सारा सामान बिखरा हुआ है। रोड पर इसी तरह से सब्जी बेचने वालों के भी सब्जी बिखर गई थी। कार्रवाई के दौरान कई बाकड़ों को भी तोड़ दिया गया, हाथ गाड़ियां और कई बाकड़े जब्त भी किए गए हैं। जेसीबी से किस तरह से बाकड़े तोड़ दिया गया है। इस दौरान एक महिला विनती करती रही मनपा कर्मियों से कि उसके बाकड़े को न तोड़ा जाए, मगर एक सेकंड में जेसीबी से उसके बाकड़े को तोड़ दिया गया। स्टेशन की तरफ से लेकर फास्ट रेलवे ट्रैक तक पूरी तरह से जेसीबी से दुकानदार जो बांबू और प्लास्टिक से अपने दुकानें लगाते थे और उनके बाकड़ों सहित उनके दुकानों को तोड़ दिया गया। दुकानदारों का काफ़ी सामान का नुकसान हुआ है। देखें किस तरह से मुमरा मार्केट में मनपा द्वारा ये कार्रवाई की गई है, किस तरह से दुकानदारों का सामान नुकसान हुआ है और एक महिला किस तरह से मनपा कर्मियों से विनती कर रही है, मगर उसके बावजूद उसके बाकड़े को तोड़ दिया गया। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।